नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए रुख करते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरों की। राजस्थान के सलूमपुर विधायक अमृतलाल मीणा का हार्ट अटैक से निधन हो गया। उदयपुर के एमबी अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बता दें कि मीणा को कल रात सीने में दर्द की शिकायत के बाद उदयपुर के एमबी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमृतलाल मीणा की मृत्यु के बाद राजस्थान विधानसभा में भाजपा विधायकों की संख्या घटकर 114 रह गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा मां वाउचर योजना का शुभारंभ कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। सुलंबर से बीजेपी विधायक अमृतलाल मीणा के निधन के बाद कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। सीएम भजनलाल शर्मा सीएमआर से कार्यक्रम और योजना की शुरुआत करने वाले। झालावाड़ नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर नगर पालिका के बाहर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया। झालावाड़ नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा वार्षिक उपार्जित अवकाश एवं वर्दी के भुगतान को लेकर प्रदर्शन किया गया। झालावाड़ जिला पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर की अध्यक्षता में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की संपर्क सभा आयोजित की गई। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक ने जिले के तैनात अधिकारियों, जवानों और दफ्तर में तैनात कर्मचारियों की व्यक्तिगत और विभागीय समस्याओं को लेकर फीडबैक लिया और उनकी समस्याओं के निराकरण का आश्वासन भी दिया। मुख्य सचिव सुधांशु पंत की अध्यक्षता में हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियों के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया। आगामी 15 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। मास्टर प्लान प्रारूप मॉडल 2041 के विरोध में खाटू श्याम जी कस्बा आज पूर्ण रूप से बंद रहा। 27 जून को मास्टर प्लान प्रारूप मॉडल प्रस्तुत किया गया था। वहीं 573 लोगों ने प्लान के खिलाफ आपत्ति जताकर मास्टर प्लान को निरस्त नहीं करने तक आंदोलन का ऐलान किया है। आज राज्यसभा में महिला रेसलर विनेश फोगाट का मामला जैसे ही उठा तो संसद में हंगामा मच गया। विपक्ष ने कई सवाल उठाए जिससे सभापति धनखड़ काफी नाराज हो गए। इस पर खड़गे ने कहा कि सरकार ने विनेश के मामले में कुछ नहीं किया, जिसके बाद विपक्ष ने हंगामा किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग इस पवित्र सदन की गरिमा को ठेस पहुँचा रहे हैं और इसे अराजकता का केंद्र बना रहे हैं। राजद सांसद मनोज झा ने केंद्रीय खेल मंत्री द्वारा कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट को लेकर हुए खर्च का हिसाब संसद में बताने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि जो सरकार संसद में एथलीटों के किए खर्चे का हिसाब देती है उसे कोई शर्म नहीं है। क्या सरकार प्रधानमंत्री और अपने मंत्री का खर्च का हिसाब भी देगी? लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मिले सफाई कर्मचारी। संसद स्थित कार्यालय में राहुल गांधी ने सफाई कर्मचारियों से मुलाकात की। सफाई कर्मचारी आंदोलन के सदस्यों के साथ मैला ढोने की प्रथा से जुड़े लोग भी मौजूद रहे और उन सभी ने राहुल गांधी को अपनी अपनी समस्याएं। दिल्ली आबकारी नीति सीबीआई मामले में राउत एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ा दी है। उन्हें तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश किया गया। तो ये थी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप देख रहे हैं खबर दिन भर। मैं हूं अभिजीत शर्मा। नमस्कार।